श्री बलवान पूनिया सभापति जी, दोनों दल बड़ी डिंगे हाँक रहे हैं, नजारा कुछ अलग है। मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कई मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फसल बीमा को सिर्फ दो शब्दों में इस भाषण में सलटा दिया, हजारों करोड़ रुपए बीमा कंपनियां हमारे से प्रीमियम ले जाती और क्लेम सिर्फ वहां मिलता है जहां लोग लड़ते हैं, उसके अलावा कहीं बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती। हम चाहते थे सरकार से कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ऐसी टास्क तैयार करे जिससे किसान को पता चले कि प्रीमियम कैसे कटता है, प्रीमियम कटने का टाइम क्या है और उसकी फसल क्या रहेगी। किसी किसान ने चार साल पहले केसीसी बना ली और वो केसीसी का प्रीमियम चार साल बाद उसी फसल का कटे जो फसल उसके खेत में है नहीं, उससे प्रीमियम 3888 रुपए प्रति हेक्टेयर ले लिए लेकिन कपास उसके खेत में नहीं, प्रीमियम उससे काट लिया, बीमा कंपनी दुग्गी नहीं देगी। हजारों करोड़ रुपए का मसला पर हमें बड़ा भारी दुख हुआ कि दो लाइन में अभिभाषण में सलटा दिया इस बात को। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपको कि हम फसल बीमा पर बहुत सीरियस होने चाहिए राजस्थान के लोग और सरकार, क्योंकि हमारे यहां कुदरत पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है बरसात करने की। हमारा इलाका बिरानी है और नहरी क्षेत्र में भी अगर अकाल की पोजीशन आ जाए, पानी कम हो, तो फिर फसल बीमा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हालांकि चूरू और हनुमानगढ़ में खास करके भादरा, नोर और पल्लू में, चूरू में तारानगर और राजगढ़, जो चूरू के माननीय पूर्व मंत्री जी चले गए, मैं उनको याद दिलाता कि कैसे लोग तीन तीन महीने सड़कों पर पड़े रह करके बीमा लेते थे। आज तो बहुत जोरदार बोल रहे थे वो, मुझे तो अचंभा हो रहा था। वो पूछ रहे थे कि आपने उद्योग बंद कैसे कर दिए। हमारे जिले में तो एक मिल थी हनुमानगढ़ में, स्पिनिंग मिल, इतना बड़ा ताला पता नहीं कहां से लेके आए, कहां से आयात किया था वो ताला। वो ताला 3 साल पहले लगा दिया, किस लिए लगा दिया कि 2 मील और उनको एडजस्ट रखना था। सबसे बढ़िया धागा स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ का था, उसमें 1300 कर्मचारी थे, आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों को वापस उसी मिल में ले जाओ, वहां बहुत बढ़िया क्वालिटी की कपास होती है, वहां धागा पैदा करवाओ और हिंदुस्तान से बाहर भी वो धागा एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है हनुमानगढ़ जिले की कपास और नरमा की। हमारे क्षेत्र में सिंचाई पानी, अगर बात करें पूरे राजस्थान की, 8.60 एमएफ पानी हमारे पास है, आज तक 0.60 पानी हम ले नहीं पाए हैं। सिंचाई के मसले पर फिर अभिभाषण में चूक गए, यह कहा गया है कि जो पानी है उपलब्ध उससे और ज्यादा क्षेत्र को नवाचार करके फिर उसमें बूंद बूंद सिस्टम से पानी देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कागज देते हैं पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। पार्टी कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत बार देखता हूं दस्तावेज आता है जिससे सारे लोगों में जोश आ जाए कि साहब हमारी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने सिंचाई के मसले पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और खास करके वाया पंजाब जो पानी आ रहा है उस पानी की चर्चा नहीं की, जो 0.60 अभी हमें मिला नहीं है। आपने चर्चा नहीं की वाया हरियाणा जो हमें पानी मिल रहा वो आज तक 0.17 एमएफ पानी नहीं मिल रहा, उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है। मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि आप 0.17 एमएफ जो कि भादरा नोर का हिस्सा है जिसमें राजगढ़ के भी 12 गांव हैं, सादुलपुर तहसील के, आप हमारे इलाके का पूरा पानी दिलवाने के लिए तैयारी कीजिए। और जो 0.60 अभी पंजाब
और हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, वो पूरा पानी लेने के लिए सरकार एक्शन प्लान बनाए और बजट के समय ये व्यवस्था लेकर के आए कि हम इतने दिनों में बचा हुआ पानी हम ले लेंगे। और जो इलाका आपने पहले कमांड किया था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शासन में, उसमें अभी तक खाड़े नहीं बने। पिछले 5 साल में तो पता नहीं किस बात की नजर लगी, खाड़ा नहीं बना एक भी नया खाड़ा। शिदमुख नहर क्षेत्र में, नोर फीडर में, अमर सिंह ब्रांच में खाड़ा नहीं बना। उससे पहले जो कर्णपुर क्षेत्र में लेके गए थे, यहां से नोर भादरा से सारे दफ्तर उठा करके कर्णपुर और सूरतगढ़ लेके गए थे, वहां की रिपोर्टें कोई अच्छी नहीं है कि वहां कोई ज्यादा खाड़े उन्होंने बनाए हो। सिस्टम को तोड़ने का, सिंचाई महकमे को तोड़ने का पूरा काम किया। उससे पहले ठीक ये इधर वाले भी नहीं है सभापति जी, इन्होंने 1998 में जब सरकार बनी, सन 2000 में नहरों में निजीकरण की व्यवस्था लेके आए, यानी किसान नहर चलाएगा, सरकार नहीं चलाएगी, सरकार तो सिर्फ उसका राजस्व लेगी। हमारी मांग ये रहती है कि सरकार निजी नहरी तंत्र में निजीकरण को बंद करे और सरकारी कर्मचारी नियुक्त करे, मैट बैलदार एजेंट लगाए। ये बार बार मांग रहती है, ये कांग्रेस के जमाने में भी मांग रही है, ये बीजेपी के जमाने में भी मांग रही है। इसलिए मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर भी आप गंभीरता से हमारी बात सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। बिजली कनेक्शन में या अभिभाषण में कहा गया है कि 2012 में जिसने कृषि के लिए पैसे भर दिए उसके कनेक्शन कर देंगे। हम जमाने से कितना देर चल रहे हैं, 18 बीत गई, 19 चल रहा, हम अभी 12 वाले के कनेक्शन कर रहे हैं, वो किसान जो 6 साल से इंतजार कर रहा है कनेक्शन का। और इनके जमाने में तो साहब एक बहुत बड़ा गड़बड़ रहा, ढाणियों में कनेक्शन के लिए इंतजार करते रहे, बहुत योजनाओं का नाम बदला था, दीनदयाल योजना, बार बार चक्कर काट काट के लोगों के पैर घस गए। दीनदयाल उपाध्याय योजना में हमारे इलाके में कनेक्शन नहीं हुए, मुझे नहीं पता राजस्थान के दूसरे इलाकों में क्या रहा होगा, लेकिन नहीं हुए। दीनदयाल उपाध्याय योजना में कनेक्शन होते तो बलवान पूनिया विधायक नहीं होता, विधायक बीजेपी का होता। क्या बात कर रहे हो, कनेक्शन नहीं हुआ। आप बीच में मत बोलो साहब, आप तो बड़े आदमी हो, इधर वाले बड़े आदमी है, हमारी छोटी पार्टी है, 10 मिनट मिली है, बोल लेने दो, हाँ बोल लेने दो, आप बीच में मत बोलो। हाँ मैं तो जो है वो बात बताऊंगा। आप अगर बिजली की बात करें सभापति जी, घरेलू बिजली की दरों में बेइंतहा वृद्धि 3 दफा की पिछली सरकार ने। मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा नई सरकार का, आप भी ऐसे ही करेंगे, जनता बहुत भारी परेशान। 2 बल्ब अगर कोई घर में लगा ले, 2 बल्ब 1,500-2,000 रुपए बिल आता, 27 शुल्क के नाम पर इतनी भारी लूट, राजस्थान के करोड़ों लोगों को लूटा जाता। 27 शुल्क क्या है कोई डिफाइन नहीं करता, कैसे लगता है कोई डिफाइन नहीं करता। इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है, जो राजस्थान के करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे लोग कि जो स्कूल पिछली सरकार ने 20,000 बंद किए वो स्कूल कैसे खुलेंगे, उन स्कूलों को कैसे खोला जाएगा। इसमें जिक्र जरूर किया कि स्कूल जो बंद पड़े हैं वो खोले जाएंगे, उनकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन चुनाव में भाषण तो ये हुआ करते थे जो पार्टी सरकार में आई कि बंद किए हुए सारे स्कूल खोलेंगे। अब वही शब्द आपने इस्तेमाल कर लिए कि स्कूलों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा कैसे करोगे, एक लाइन से जिन्होंने स्कूल बंद किए थे दूसरी लाइन से तुम स्कूल वापस खोलो, ऐसी हमारी मांग। हम भी लोगों से कह के आए कि स्कूल खोलवा के रहेंगे। हजारों हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 में आई थी, राजस्थान में भी उसको स्वीकार किया गया सबसे पहले। आज जब 3-4 कर्मचारी रिटायर हुए तो उनको पता चला है कि 1700 रुपए 1600 रुपए पेंशन मिलेगा। आज पूरे राजस्थान में माहौल है ओपीएस के पक्ष में, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में। मैं राज्यपाल जी के भाषण में इस चीज को नदार्द पा रहा हूं और हमारी मांग भी रहेगी कि आप पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। करोड़ों जो नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं और जिनको पिछले दिनों में लाखों को रोजगार रफ्ता रफ्ता मिला है 2004 से लेकर के आज तक, वो सारे के सारे पुरानी पेंशन के पक्ष में। इसलिए सरकार पुराने पेंशन पर विचार करेगी और इसको लागू करेगी। आपने जो पिछली सरकार ने राशन कार्ड में लोगों के नाम हटाए थे भामाशाह से और खाद्य सुरक्षा से, इस सरकार ने यह तो कहा
कि नाम जोड़ेंगे, लेकिन किसके जोड़ेंगे, किस आधार से जोड़ेंगे। लघु और सीमांत की जो शर्त लगाई थी, जिस शर्त की वजह से लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ने से वंचित हो गए, लोग बीमारी का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, SMS और बीकानेर के PBM हॉस्पिटलों में जाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के लिए आप खाद्य सुरक्षा का नाम नहीं जुड़वा पाते। SDO ये बात कह देता कि 4 बीघा और 8 बीघा की शर्त है, लघु और सीमांत की शर्त है, इस शर्त को हटाने के लिए शब्द इस्तेमाल जरूर किए गए, लेकिन शब्द ये लिए गए हैं कि इसको कैसे हटाएंगे और लोगों को खाद्य सुरक्षा में वापस कैसे जोड़ेंगे। ये राज्यपाल जी के भाषण में ये बात स्पष्ट नहीं है, सरकार को इस बात का स्पष्ट करना चाहिए था। बिजली की दरों के बारे में स्पष्ट कहा है घरेलू कनेक्शन की कि हम 5 साल बिजली की दर तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बिजली कृषि बिजली का 5 साल में दर तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बूंद बूंद कनेक्शन का जो बीकानेर जिले में बहुत ज्यादा किसान है बूंद बूंद कनेक्शन के, उनका क्या रहेगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। राजस्थान के दूसरे हिस्से में भी बूंद बूंद में क्या रहेगा, इस बात का इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है, जो कि करना चाहिए था। उन किसानों का लंबा आंदोलन भी पिछली सरकार के समय चला था, हालांकि पिछली सरकार ने एक ट्राई की थी कि दाम बढ़ा के देखते हैं, किसान जब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में और दूसरे संगठनों के नेतृत्व में जब हजारों किसान सड़कों पर उतर गए तो इनको फैसला तो वापिस लेना पड़ा, पर बूंद बूंद के किसान का फैसला करना ये भूल गए थे। मैं सदन का और सभापति जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में घुस रही बीमारियां जैसे कैंसर, हमारे इलाके में पंजाब के जरिए हरियाणा के रास्ते जिस तरीके से कैंसर एक महामारी के रूप में पैदा हो रही है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हम उस बीमारी को की जांच करवा पाए, उस बीमारी को चेक करवा पाए। बीकानेर और जयपुर के लिए लोग बसों में और गाड़ियों में भर भर के आते हैं, इसलिए सरकार को इस गंभीरता के साथ जो नई बीमारी इलाके में घुस रही है, राजस्थान में घुस रही है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था। ये बीच में कोई कंसेप्ट शामिल नहीं किया गया है, इस बात के लिए भी हम सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि आप इसको शामिल करो और प्रदेश को एक चीज और रहेगी जनाब, नशों के खिलाफ कोई रोड मैप सरकार का नहीं है। हमारा नौजवान जिसको रोजगार नहीं है, जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो नशे में डूब रहा है, वो चिट्टे जैसे नशे की लपेट में आ रहा है, वो नशीली दवाइयां खा रहा है, सरकार को उस नौजवान की चिंता अभिभाषण में कहीं नजर नहीं आई। ये अभिभाषण 5 साल की सरकार का रोड मैप दिखना चाहिए था, इसलिए इस चीज को भी शामिल करते हुए नशे के खिलाफ भी बहुत गंभीरता से सरकार एक्शन ले। और एक चीज लास्ट जो मेरी रह गई, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे 5 साल में जो अधिकारी करप्ट थे, जिलों में जमे बैठे थे, थानों में जमे बैठे थे, आज भी वो जमके जनता को लूटने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल में भेजा जाए जो भ्रष्टाचार करते थे, 10% और 20% कमीशन लेके जो लोग चुनाव हारे हैं उन लोगों की जांच की जाए। और मंत्री तो अपने आप ही आ गए, कमीशन तो ऊपर तक पूछता था, इसलिए सभापति महोदय राजस्थान में एक बढ़िया नाम दे देने से सरकार नहीं बनती। साहब न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ प्रतीत होना चाहिए, यह न्याय का संदर्भ है। आपने मुझे समय दिया, आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री जगदीश।